तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों की सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने किया ऐलान, आंदोलन चलेगा लंबा, मनोबल कमजोर ना करे किसान और अक्टूबर तक किसान आंदोलन चलाने की करे तैयारी, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना भाजपा नेता को पड़ा भारी, ममता बनर्जी ने तत्काल कराया बीजेपी नेता को गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर पेट के बाद अब तक 24 किसान हुए लापता, तो किसानों ने दिल्ली पुलिस मोदी के खिलाफ खुला मोर्चा, कहा भाजपा बताए कहां गए ये 24 किसान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 12 फरवरी को राजस्थान के टोल प्लाजाओं को फ्री कराएंगे किसान, 18 फरवरी को रेलों को रोकेंगे, जहां दोस्तों मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में उतरा ट्विटर, मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए किसानों के अकाउंट बंद करने से ट्विटर ने किया इनकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहिष्कार, बुलंदशहर में ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर भाजपा नेताओं को पीटा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में राजस्थान विधानसभा में लगे जय किसान के नारे, मोदी सरकार के खिलाफ लाएगी अब राजस्थान विधानसभा प्रस्ताव। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने किया ऐलान, आंदोलन चलेगा लंबा, मनोबल कमजोर ना करें किसान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सिंघू बॉर्डर के किसानों ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानून को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और ऐलान किया है कि आंदोलन लंबा चलेगा, मोदी सरकार कृषि कानून को पस नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें कि आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि मनोबल कमजोर किसान ना करें और लंबे आंदोलन को चलाने की तैयारी करें। किसानों ने ऐलान किया है कि वह 18 फरवरी को पूरे देश में देश की ट्रेनों को रोकेंगे और किसी भी ट्रेन को नहीं चलने देंगे। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता लगातार कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि टिकैत ने पत्रकारों के खिलाफ और जो किसानों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं उनको भी वापस लेने की मोदी सरकार से मांग कर दी और कहा है किसानों से कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा और सभी किसान तैयार रहें और लंबे आंदोलन की तैयारी करें। जहां दोस्तों ये बड़ा ऐलान सिंघू बॉर्डर से आज किसान नेता राकेश टिकैत ने किया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना भाजपा नेता को पड़ा भारी, बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाना भाजपा नेता को भारी पड़ गया है और भाजपा नेता के जय श्री राम के नारे लगाने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी के नेता अवनीश अय्यर लोगों को जय श्री राम के नाम के मास्क बांट रहे थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी इसका विरोध करते हुए जमकर जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन बीजेपी नेता को पुलिस ने नहीं छोड़ा और बीजेपी नेता खदेड़ते हुए पुलिस ले गई है और गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि जय श्री राम के नारे लगाने पर अब भाजपा ने बड़ा बयान दिया है और भाजपा ने ममता बनर्जी को तानाशाही करार दिया है और कहा है कि ममता बनर्जी जय श्री राम का नारे पर भी पश्चिम बंगाल में बैन लगा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा और जय श्री राम के नाम के मास्क बांटने पर भाजपा नेता गिरफ्तार हुआ है और तगड़ा झटका बंगाल में भाजपा को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, अभी भी 24 किसान ट्रैक्टर परेड के बाद हुए लापता, पूछ रहे हैं किसान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुए बवाल के बाद से अभी तक 24 किसान लापता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उन गायब किसानों की सूची बनाई है और उनके बारे में पता लगाने का प्रयास किया है। वहीं उन लापता किसानों की तलाश में परिजन
उसी समय से भटक रहे हैं और वह कभी दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं तो कभी अफसरों के पास जाकर अपनों को तलाश करने की गुहार लगाते हैं, लेकिन लापता किसानों में से अभी तक किसी भी किसान का पता नहीं लग चुका है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रैक्टर पेट के दौरान दिल्ली में बवाल हुआ था जिसमें सैकड़ों किसान गायब हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस से लगातार किसान नेता पूछ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस सहित भाजपा अभी तक ये नहीं बता पाई है कि किसान आखिरकार ये गए कहां। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने ही इन किसानों को किडनैप किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अभी भी 24 किसान ट्रैक्टर पेट के बाद लापता है जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 12 फरवरी को राजस्थान के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे किसान, 18 फरवरी को रेल रोको अभियान को करेंगे शुरू। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान कानून को लेकर संसद में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए भरोसे के बाद भी अपना आंदोलन समाप्त करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। किसानों ने उल्टा आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल किसान नेता ने कहा है कि 12 फरवरी से किसान राजस्थान के सभी टोल नाकों को फ्री कराएंगे और पुलवामा के शहीद की याद में 14 फरवरी के दिन कैंडल मार्च और मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि 16 फरवरी के दिन सर छोटू राम जयंती के मौके पर किसान देश भर में कार्यक्रम करेंगे और 18 फरवरी के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश में रेल रोको अभियान चलाएंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को राजस्थान के सभी टोल प्लाजाओं को फ्री कराया जाएगा और टोल प्लाजाओं पर धरना दिया जाएगा, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान, रेल रोको अभियान और 12 फरवरी को राजस्थान के टोल प्लाजा फ्री कराने का कर दिया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरा ट्विटर, पत्रकारों और नेताओं के अकाउंट बंद करने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार को ट्विटर से आज तगड़ा झटका लगा है और ट्विटर खुलकर किसानों के समर्थन में उतर आया है। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। माइक्रो प्लानिंग वेबसाइट ट्विटर ने उन अकाउंट को रिस्टोर कर दिया है जिन्हें मोदी सरकार के कहने पर किसान आंदोलन के द्वारा भ्रामक खबरें चलाने के मामले में डिलीट करवाया गया था। दरअसल आपको बता दें कि ट्विटर ने कहा है कि जिन अकाउंट को रिस्टोर किया गया है वो भारतीय कानून के मुताबिक हैं, उन्हें भारतीय संविधान के तहत अपनी बात कहने का अधिकार मिला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक आदेश जारी कर ट्विटर के 1178 अकाउंटों को डिलीट करवाया था और सरकार ने कहा था कि ये खालिस्तानी समर्थक और पाकिस्तानी समर्थक लोग इन अकाउंटों को ऑपरेट कर रहे हैं और किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ सामग्री फैला रहे हैं। वहीं सरकार के इसी आदेश का ट्विटर ने एक बयान जारी कर जवाब दिया। ट्विटर ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि वो सरकार के कहने पर अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं कुचल सकता और वह किसानों के समर्थन में है और हर किसी को भारत में अपनी आवाज उठाने के लिए किसी भी मंच का प्रयोग करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ट्विटर से आज भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और ट्विटर ने किसानों के अकाउंट को बंद करने से साफ इनकार कर दिया है। तो तगड़ा झटका भाजपा को लगा है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा का बहिष्कार, बुलंदशहर में ग्रामीणों ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते मोदी सरकार के प्रति आम जनता की नाराजगी अब खुलकर दिखनी शुरू हो गई है। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी लोगों द्वारा भाजपा का जमकर विरोध किया जा रहा है। आलम यहां तक पहुंच गया है कि गांव में बीजेपी के नेताओं को एंट्री भी नहीं उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गांव से अब भाजपा नेताओं को भगाया जा रहा है और जो गांव में भाजपा नेता आ रहा है उसे किसान कह रहे हैं कि यहां आप क्यों आ रहे हैं, 3 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं, आप उन्हें देखने क्यों नहीं गए। इसी को लेकर बुलंदशहर में जो है भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर ग्रामीणों ने पीटा है और खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि आप इस गांव में किसी भी कीमत पर नहीं घुस सकते और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद है और प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्रों का भला कर रहे हैं और किसानों की तरफ नहीं देख रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बुलंदशहर में जबरदस्त भाजपाओं के नेताओं का बहिष्कार हुआ और ग्रामीण ने दौड़ा दौड़ा कर भाजपा नेताओं को पीटा है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में राजस्थान विधानसभा में लगाए जय श्री किसान और जय श्री जवान के नारे, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को शुरू हुआ, जिस दौरान एक विधायक ने केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में जय श्री किसान और जय आंदोलन जीवी जिंदाबाद के नारे लगाए। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का छठा सत्र बुधवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भादरा से विधायक बलवान पुलिया ने किसान आंदोलन और केंद्रीय कृषि कानून को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए काले कानून वापस लो का पर्चा लहराया और जय श्री किसान व जय आंदोलन जीवी के नारे लगाए, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ी और भाजपा के विधायक जो है राजस्थान विधानसभा में देखते रहे तो किस तरह से अब राजस्थान का पूर्ण रूप से समर्थन किसान आंदोलन को मिल गया है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने किया ऐलान, ना अब सांसद मंत्री बनने की इच्छा और ना ही पार्टी में चाहिए कोई पद। जी दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा से रिटायर हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बड़ा ऐलान किया है और कहा कि अब उन्हें कई जगहों पर देख नहीं पाएंगे क्योंकि वह अब फ्री हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब ना तो उनकी सांसद या मंत्री बनने की इच्छा है और ना ही अब वह पार्टी में कोई पद लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक राजनेता के तौर पर अपने काम से संतुष्ट हैं और जब तक जिंदा रहेंगे जनता की सेवा करते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बड़ा ऐलान गुलाम नबी आजाद ने कर दिया है कि ना तो अब वह सांसद बनना चाहते हैं और ना ही मंत्री और ना ही कांग्रेस पार्टी में कोई पद लेना चाहते हैं, वह बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में अब कृषि कानून के खिलाफ कन्हैया कुमार ने संभाला मोर्चा, आज पूर्णिया के किसान महापंचायत में होंगे शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रदेश की राजनीति से लगभग गायब हो चुके नेता और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एक बार फिर से बिहार में दिखेंगे। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत का आज आयोजन किया गया है और आयोजित होने वाली इस महापंचायत में कन्हैया कुमार समेत कई अन्य दलों के नेता शिरकत लेंगे और आज कन्हैया कुमार कृषि कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार में मोर्चा खोलेंगे और आज कन्हैया कुमार कृषि कानून का विरोध करेंगे और पूर्णिया के किसानों के साथ शामिल होकर आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। तो लंबे अंतराल के बाद आज बिहार में कन्हैया कुमार दिखे। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव सरकार ने गवर्नर को उत्तराखंड जाने के लिए नहीं दिया सरकारी विमान तो भड़की भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी में विवाद बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक गवर्नर कोश्यारी को सरकारी विमान नहीं दिया गया है। गवर्नर चमोली हादसे के बाद उत्तराखंड रह रहे थे, जिसमें सरकारी विमान न मिलने पर राज्यपाल नीली फ्लाइट से रवाना देहरादून हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों कोश्यारी लगातार भाजपा का उद्धव ठाकरे के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं। इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने यह तगड़ा झटका महाराष्ट्र के गवर्नर को दिया और सरकार विमान उन्हें नहीं दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।